Hi everyone, today I'm going to teach number system in the class 6th, R.S. Agarwal. In Hindi and English, both. First of all, starting to number. As 64, it is the number. 64 एक संख्या जबकि 6 इट इज द डिजिट 6 यहां डिजिट है और 4 भी एक डिजिट 4 आल्सो डिजिट ओके सबसे पहले हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंट करना ओके जिसमें एक एग्जांपल के तौर पे मैं लूं 5 4 3 2 1 हियर 1 इज वंस प्लेस 2 इज टेंस प्लेस थोड़ा सा इसको एक मिनट ऊपर मैं लिख लेता हूं जिससे परेशानी नहीं होगी उसको समझते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1's place 10's place 100 1000 10,000 lakh 10 lakh crore crore टेन करोड़ क्लियर बच्चों देखो जब भी हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं प्लेसिंग वैल्यू बैठाना शुरू करते हैं तो हम लोग लेफ्ट साइड से सॉरी राइट साइड से बट इसका नंबर नेम लिखना होता है जब इस नंबर को नाम लिखना होगा इंग्लिश में तो हम लोग लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करेंगे प्लीज इधर से ओके अब देखो ये है आपका प्लेस वैल्यू वंस प्लेस पे है टेंस प्लेस पे हंड्रेड प्लेस पे है थाउजेंड प्लेस पे है टेन थाउजेंड लाख टेन लाख करोड़ टेन करोड़ इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे तो नंबर सिस्टम जो होता है लिखने का पद्धति वो दो होता है फर्स्ट इंडियन नंबर सिस्टम सेकेंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हम लोग जो नंबर लिखते हैं वो दो तरीके से पहला इंडियन नंबर सिस्टम यानी भारतीय संख्या पद्धति के आधार पर दूसरा अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के आधार पर लेकिन इससे पहले हमें क्या करना होगा कॉमा को लगाना सीखना होगा कि इंडियन नंबर सिस्टम में यानी भारतीय संख्या पद्धति में कॉमा कहाँ लगाए जाते हैं कितने डिजिट के बाद लगाए जाते हैं और वही अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति की पद्धति में कॉमास कहाँ लगाए जाते हैं तो इसके बाद ये लोग थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट आउट कर सकते हैं बच्चों पॉज करके मैं अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कॉमा लगाने का तरीका बताने जा रहा हूँ ऐसा सिस्टम दो होते हैं इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम देखो बच्चों जब कॉमा लगाने का सेकेंड टॉपिक्स कॉमा मैं इस टॉपिक्स का आज टोटल कंसेप्ट बता रहा हूँ यानी ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है ये आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर वन का इंट्रोडक्शन चैप्टर है इंट्रोडक्शन क्लास है सबसे पहले मैं इंडियन नंबर सिस्टम में आपको कॉमा लगाना बता रहा हूं इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा लगाने का सबसे पहला तरीका राइट साइड से
थ्री डिजिट्स के बाद पहला कॉमा लगता है, उसके बाद दो डिजिट के बाद, उसके बाद दो डिजिट के बाद, उसके बाद दो डिजिट के बाद, सो ऑन, ऐसे ही दो दो डिजिट के बाद नंबर कॉमा लगाना शुरू करते हैं। हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम में इसको 100,000,00,000 करोड़ लाख थाउजेंड एंड हंड्रेड लेते हैं, ठीक है। वही इंडियन सिस्टम में हम लोग लाख करोड़ लेते हैं, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसको मिलियन अब्लिक बिलियन, मिलियन और बिलियन में लिया जाता है। जैसे हम लोग लाख करोड़ लेते हैं तो वे लोग मिलियन और बिलियन लेते हैं। तो हम लोग देखें कि कमा कैसे लगाया जाता है इंडियन नंबर सिस्टम में, ठीक। वही इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कमा कैसे लगाया जाता है, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में सबसे पहले कॉमा जो लगता है थ्री डिजिट के बाद, उसके बाद भी थ्री डिजिट, उसके बाद भी थ्री डिजिट, ऐसे ही लगते जाता है, ठीक है। यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में थ्री डिजिट्स, थ्री डिजिट्स, थ्री डिजिट्स, लेकिन इंडियन नंबर सिस्टम में यही अंतर है कि इंडियन नंबर सिस्टम में पहला जो कॉमा लगता है वो थ्री डिजिट के बाद, उसके बाद टू डिजिट, टू डिजिट, टू डिजिट, लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में फर्स्ट कॉमा भी थ्री डिजिट के बाद, सेकंड कॉमा भी थ्री डिजिट के बाद, ऐसे ही थ्री थ्री डिजिट, लेकिन पढ़ने का जो तरीका होता है उन लोगों का हंड्रेड थाउजेंड मिलियन इसके बाद बिलियन, हम लोग क्या होता है थाउजेंड के बाद लाख करोड़ होता है, तीनों के बाद थाउजेंड के बाद बिलियन, बिलियन चलता है। यहां तक थाउजेंड तक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम सेम होता है, ओके, उसको नोट कर दीजिए। चलो अब बच्चों इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने जो जा रहा हूं वो नंबर नेम्स, नंबर नेम्स, इट मींस नंबर्स का नाम कैसे लिखा जाता है, नंबर नेम्स। जैसा कि 5 है, 76 है, 88 है, इसका नाम कैसे लिखोगे, जैसे 5 लिख दिया 5, लेकिन यहाँ 76 है तो इसको लोग पढ़ोगे वंस टेंस, जब टेंस आए तो दोनों को इंक्लूड करके लिखा जाता है, क्या हो जाएगा 76। अब यहाँ थोड़ा सा एक और डिजिट पढ़ा लो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे थ्री डिजिट्स है तो पढ़ोगे वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड पे क्या है 9, तो क्या लिखोगे 900, वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड पे क्या है 9, तो 900, लेकिन यहाँ पे वंस टेंस, जहां भी टेंस है यानी दोनों डिजिट को ले जाते 88। लेकिन ये तो सिंपल वे है ना, लेकिन हमको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को नेमिंग्स करना हो और ये क्या बोल रहे हैं इंडियन नंबर सिस्टम को नेमिंग्स करना हो तो उसको कैसे करेंगे अगर बड़ा कोई संख्या हो तो देखते हैं एक बड़ी संख्या लेकर 981, इसको पहले हम लोग देखते हैं किसमें, इंडियन नंबर सिस्टम में, इंडियन नंबर सिस्टम में इसका नेमिंग करके देखते हैं बच्चों, इंडियन नंबर सिस्टम में नेम कैसे, तो ध्यान दो बच्चों कभी भी किसी भी बड़े से बड़ी संख्या का नाम लिखना हो तो उसके पहले सबसे पहले क्या करो, बड़ी वर्ड कमा लगा दो, इंडियन नंबर सिस्टम में ना, इंडियन नंबर सिस्टम फर्स्ट कमा थ्री के बाद, सेकंड थ्री के बाद, टू के बाद, फिर टू के बाद, ऐसे ही सोन, तो इसको हम क्या लिखते हैं हंड्रेड, इसको थाउजेंड, इसको लाख और इसको करोड़।
अब हम नंबर नेमिंग करेंगे तो आसानी से नंबर नेमिंग हो जाएगा। नंबर नेमिंग करने से पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले कमा लगाना होगा। कमा लगा लेंगे तो नंबर नेमिंग करने में हमें दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, आसानी से लिख सकते हैं। देखो कभी भी कमा लगाते हैं तो राइट साइड से, लेकिन नंबर नेमिंग जो करते हैं वो लेफ्ट साइड से, इट मीन्स इधर से। राइट से नंबर नेमिंग और लेफ्ट से नंबर, सॉरी राइट से कमा लगाएंगे और लेफ्ट से नंबर का नाम लिखेंगे। चलो लिखते हैं, देखो वन इसको पढ़ो, कमा के बाद दो डिजिट है, कमा के बाद दो डिजिट है, एक दो, तो वंस टेंस, टेंस है तो दोनों बोलेंगे, यानी नाइनटी एट क्या है, करोड़, ठीक दो है, वंस टेन सेवेंटी सिक्स, सेवेंटी सिक्स क्या है लाख, उसके बाद फिर क्या फिफ्टी फोर, दो है तो फिफ्टी फोर, 54 क्या 1000, इसका क्या 3 121। ओके बच्चों ऐसे इंडियन नंबर सिस्टम में नंबर नेमिंग किया जाता है, ठीक है, इसको क्लोज करके आप लोग लिख दीजिए। ओके चलो फिर मैं अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को इसमें कैसे नंबर नेमिंग किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। और इसको बच्चों मिलियन में लिखा जाता है, न कि लाख में, न कि करोड़ में, क्योंकि ये क्या है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। चलो लिखना शुरू करेंगे हम लोग, देखो इसमें क्या है थ्री डिजिट है, तो वन टेन हंड्रेड यानी नाइन हंड्रेड कितना है, एक दो तीन, यानी वन टेन हंड्रेड, इस कॉमा के इधर देखो, इस कॉमा के इधर सारा है, ये टोटल है, टोटल है तो क्या लोगे 987, क्या लिखोगे बच्चों 987 टोटल लिखोगे, तब किस में है ये 987 किस में, मिलियन में, तो मिलियन लिख दोगे 987 मिलियन, क्लियर। अब फिर चलो 600 क्या है 54 किस में है 1000 में है, और उसके बाद जो कहते हैं 300 21 क्लियर बच्चों, ओके ऐसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में नंबर नेम्स क्या रहता है, क्लियर। चलो आप लोग कर लो, उसका नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एस्टिमेशन, अगला टॉपिक है एस्टिमेशन, इट मींस राउंड ऑफ, जैसे आपका 15 हो, 87 हो, 63 हो, इसको कैसे राउंड ऑफ करोगे टेंस में, 100 में, 1000 में, तो सबसे पहले हम लोग टेंस राउंड ऑफ पढ़ेंगे, यानी फर्स्ट प्लेस को जीरो बनाना। तो फर्स्ट प्लेस को कैसे जीरो बनाते हैं, देखो बच्चों जब तो आपका 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो ये नियर अबाउट नियरेस्ट है जीरो का, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, ये नियरेस्ट है 10 का। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख दूँ 1 0 2 3 4
टेन। अब देखो यहाँ पे 4 से 1 तक ये किसके करीब में है, 0 के करीब में है। यहाँ से 6 से 9 तक ये किसके करीब में, 10 के करीब में बचा 5। देखो तो जब जिसके लास्ट में अगर किसी भी अंक के लास्ट में 2 डिजिट अगर टेंस करना हो, फर्स्ट प्लेस को अगर 0 करना हो तो लास्ट में अगर क्या है 1 है 2 है 3 है 4 है तो उसको हम क्या कर देंगे, सिर्फ 0 बना देंगे। जैसे यहाँ क्या है 5 है, अभी इसको छोड़ो 6 है 7 है 8 है 9 है 10, यानी 6 7 8 9 हो तो अगला 10 बना देंगे। तो देखो लास्ट का क्या है 7, तो 7 हुआ तो अगला 10 तो 80 है, 80 है, 80 के बाद क्या हो गया 90, तो यानी हो गया एस्टिमेट। फिर यहाँ देखो 3 लास्ट में क्या है 3 है, तो देखो 1 2 3 4 अगर ये सब हो तो उसको हम क्या करते थे 0 बना देते हैं, तो 6 तो रहेगा ही रहेगा और ये 3 है तो 3 है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर यही तुम्हारा 6 रहता 7 रहता 8 रहता 9 रहता तो क्या हो जाता 70 हो जाता, अगला 10 हो जाता। जैसे मैं एक लिख देता हूँ 67, तो 7 क्या है इसमें अगर अगला 10 क्या हो जाएगा 70। क्लियर बच्चों? ये देखिए यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे तो 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं, लेकिन अगर 5 पे होता है तो किस में आता है टेंस में आता है, 1 2 3 4 0 हो जाते हैं लेकिन 5 हो तो टेंस में आता है। तो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ 3 7। देखो बच्चों अगर फर्स्ट प्लेस को 0 बनाना हो तो कैसे करोगे, 6 4 6 4 8 3 नहीं लिखे, देखो ये 7 है फर्स्ट, तो अगला 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40। इस दोनों प्लेस को अगर 0 बनाना हो तो 6 4, अब देखो यहाँ पे बच्चों 8 के बाद ये क्या है 3 है, 8 के बाद 3 है, अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, ये 3 है तो 0, 8 के बाद 3 है तो 0 और ये ऑलरेडी क्या है प्लस 0। क्लियर? अब इसको करना हो 6, अभी देखो 4 के बाद क्या है 8 है, तो 4 के बाद 8 है तो ये क्या हो जाएगा 5, उसके बाद सारे के सारे तीनों 0। क्लियर? ऐसे हम लोग करेंगे वंस का, सॉरी टेंस का, 100 का, 1000 का, ऐसे एस्टिमेशन करेंगे। क्लियर? तो एस्टिमेट करने का तरीका यही है, जैसे एग्जांपल कुछ मैं आप लोगों को लिख देता हूं। टेंस करना हो, 100 करना हो, 1000 करना हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख दूँ 3 4 6 8। देखो टेंस करना है, टेंस करने तो टेंस करना तो 6 8, अब ये क्या है 3 है, यानी 5 से नीचे है, 1 2 3 4, आप जानते हैं 1 2 3 4 रहता है तो उसको क्या बना देते हैं 0 बना देते हैं, तो 3 को 0 बना दीजिए टेंस के लिए। फिर इसका टेंस के लिए देखो 7 5 6, अब यहाँ पे देखो 8 है, यानी क्या है 6 7 8 9 होता तो अगला 10 होता है, तो 8 है तो अगला 10 होगा, यानी 58 के तुरंत बाद वाला 10 क्या हो जाता है 60। क्लियर? अब हम क्या करेंगे 100 करेंगे, 100 करने के लिए देखो 3 4, अब यहाँ ध्यान दो ये क्या है तुरंत 106, ये दोनों 0 बनाना है ना, तो ये तुरंत 6 के बाद क्या है 8 है, तो 8 है तो अगला 10 तो अगला 60 के बाद क्या हो जाता है 70, यानी 700। क्लियर? तो देखो 4 7 6, अभी हमको अगला बनाना है, यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 तो क्या हो जाएगा फिर ये भी 700। क्लियर? अब 1000 करना, 1000 पे देखो 3 4, अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि देखेंगे अगला 4 के आगे वाला क्या है, तो 4 के आगे वाला क्या है 6 है, यानी ये क्या है 5 से अबव है या 5 से भी है नहीं है इक्वल अबव है, तो ये अगला जुड़ जाएगा या 5 हो जाएगा और सारे के सारे 0 हो जाएंगे। क्लियर? फिर यहाँ देखो 4 7 6, अभी ना देखेंगे ये क्या है 5 है, तो 5 है तो क्या हो जाएगा अगला 7 0 0। ये देखेंगे हम लोग ये क्या है 6 7 के तुरंत बाद 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर? देखो इसके जरूरत कर सकते हो।
अब हम तो अगला पढ़ेंगे जो एस्टिमेट ऑफ सम क्या 58 63। अब यहाँ पे देखो क्या है 58 है ये, अगर मैंने बताया था तो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, ये नेक्स्ट 0 होता है, 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो, तो नेक्स्ट 10 होता है। अब सम का योग देखेंगे, एस्टिमेट ऑफ सम यानी एस्टिमेट करने के बाद क्या उसको जोड़ना, एस्टिमेट करो 58 को कैसे एस्टिमेट करोगे। अब यहाँ ये ध्यान देना होगा, आपको ऑलरेडी बताना नहीं होगा कि 10 एस्टिमेट करो, 100 एस्टिमेट करो या 1000 एस्टिमेट करो, बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या होगा 10 एस्टिमेट तो होगा नहीं, क्योंकि दो डिजिट ही है। अगर एक और डिजिट होता तब ये 100 एस्टिमेट होता, 10 एस्टिमेट हो सकता है क्योंकि एक ही डिजिट को करना है, 10 में फर्स्ट डिजिट को करना होता है, 100 में दोनों को करना होता है, 1000 में तीन को करना होता है, तो 10 इसमें होंगे, इसमें 100 1000 नहीं होगा, क्योंकि इसमें 100 के लिए दो ही है मात्र, तीन होता तब ना 100 एस्टिमेट होता। तो करो इसको क्या हो जाएगा, 8 है तो 60 हो जाएगा, प्लस 63 यानी क्या है 3 है, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 3 है तो 0 बन जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल 660662 यानी 120 आंसर। अब देखिए अगर मान लो 763 प्लस 854 तो यहाँ पे बच्चों देखो 10 से भी एस्टिमेट हो सकता है और 100 भी एस्टिमेट हो सकता है, यानी इसको भी एस्टिमेट कर सकते हैं या इस दोनों डिजिट को एस्टिमेट कर सकते हैं, इसको भी एस्टिमेट कर सकते हैं या इसमें भी इस दोनों को कर सकते हैं, तो मैं इसमें किसो 100 को नहीं टेंस को नहीं कर रहा हूँ, टेंस इसमें भी टेंस इसमें भी कर देता हूँ, 63 है तो ये हो जाएगा आपको 763 है तो ये हो जाएगा 0, फिर 854 है तो ये भी हो जाएगा 0 0 0 0 6 5 11 1 8 9 7 60, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर बच्चों ये ध्यान देना होता है कि फर्स्ट एस्टिमेट किए तो दोनों यानी राउंड ऑफ नियरेस्ट राउंड ऑफ, फर्स्ट राउंड ऑफ करते हो तो सेकंड भी करना होगा, ये नहीं कि ऐसे कुछ करते हैं 38 प्लस 43, इसको तो राउंड ऑफ कर दिए, जैसे 38 है तो ये 40 हो जाएगा, 8 प्लस 43 ये हो जाएगा आपका कितना 383, आंसर इज रॉन्ग, आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको एस्टिमेट किए तो इसको भी हमें क्या करना होगा एस्टिमेट करना होगा यानी राउंड ऑफ करना होगा, नियरेस्ट राउंड ऑफ करना होगा, तो अलग ही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, जैसे मैं इसका सब्ट्रैक्ट करूं तो इसको एस्टिमेट किया 60, इसको भी एस्टिमेट किया 60, 60 किया क्या हो जाएगा 0, इसको भी सब्ट्रैक्ट करो कर लो 0 से 0 जाएगा 0 0 0 6 5 क्या ओ सॉरी इसमें तो ये आएगा नहीं, माइनस में चला जाएगा ऐसा, ठीक है, क्योंकि ये डिजिट बड़ा है और ये डिजिट छोटा है, क्लियर, इसका सब्ट्रैक्शन जो होगा वो माइनस में चला जाएगा, इसलिए इसको ऐड ही कर दो। दूसरा मैं एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ 4 3 -2 5, इसको एस्टिमेट करो 4 3 3 है तो 0 हो जाएगा, ये 5 है तो अगला 10 हो जाएगा यानी 30 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा आंसर। ऐसे ही प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के रूप में ले लो यानी गुना के रूप में, तो गुना अगर इसका लो में तो क्या हो जाएगा गुना आ जाएगा 0 0 0 6 6 36, मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा इसका 0 0 0 4 3 12, ओके। एसिड में आपको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या तो तुम ये सम भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, क्लियर। धन्यवाद बच्चों आज के लिए, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको स्टार्टिंग करूंगा चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। हाँ एक और चीज इसमें है बाबू, आप लोग के चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में, वो है आपका एक्सटेंडेड फॉर्म और
स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। फर्स्ट से देखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, एंड ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर यानी छोटी संख्या, छोटी छोटी संख्या उस डिजिट का। ग्रेटेस्ट नंबर मींस बड़ा संख्या। जैसे अगर वन डिजिट में लेते हैं तो वन डिजिट में क्या हो जाएगा, जीरो वन टू थ्री फोर डॉट डॉट कहाँ तक, नाइन तक वन डिजिट में जाएंगे। फिर टू डिजिट्स हो जाएगा ये टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन डॉट डॉट नाइन्टी नाइन तक। फिर थ्री डिजिट में हंड्रेड से शुरू होगा, वन हंड्रेड वन वन हंड्रेड टू मीन्स ये डॉट डॉट नाइन 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 तक। क्लियर, यानी वन डिजिट में वन से नाइन तक, टू डिजिट्स में दो अंक में यानी एक दो दो तो अंक हो रहा है ना, यहाँ पे कितना अंक, नाइन भी एक अंक है, थ्री भी एक अंक है, दो इधर कितना हो जाएगा, थ्री अंक हो जाएगा, एक दो तीन एक दो तीन। हाँ वही अगर कुछ ऐसे में ले दो जीरो वन तो ये वन डिजिट माना जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी अंक के लेफ्ट साइड में इट मीन्स इधर जीरो हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन अगर ऐसे हो जाए और किसी अंक के राइट साइड में अगर होता है तो इसका वैल्यूएशन होता है, ये माना जाएगा कितने डिजिट में, टू डिजिट में, यानी वन टू, लेकिन ये वन डिजिट माना जाएगा क्योंकि सिर्फ वन वन है। वही मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी नंबर से अगर लेफ्ट साइड में अगर जीरो को इंक्लूड है तो जीरो नहीं माना जाता है डिजिट में, अगर राइट साइड है तो वो नंबर माना जाता है। मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बोलूँ, थोड़ा सा बाद में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक थोड़ा सा माइंड में आ गया बात आपको बता देता हूँ। जैसे जीरो टू थ्री, टू जीरो थ्री, कुछ ऐसे डिजिट दिया हो, बोलो बोले कि क्वेश्चन में इसका ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए इंक्लूड करके और स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए, तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाओगे, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे सबसे बड़ी संख्या पहले ले आता है, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या, ये ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो सबसे पहले छोटा संख्या, सबसे छोटा जीरो, उससे बड़ा टू, उससे बड़ा थ्री, ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। लेकिन अगर बोल दे क्या क्वेश्चन, देखो ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया इसका, लेकिन क्वेश्चन में घुमा के अगर पूछ दे कि थ्री डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए और ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए, तीन अंक का अगर स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट बनाना होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तीन अंक में नहीं है, वन टू दो ही अंक में। मैंने अभी बताया था कि आपको लेफ्ट साइड में जीरो तो उसको डिजिट नहीं लिया जाता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा, सिर्फ बोल दे कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाए तो बिल्कुल परफेक्ट है दोनों, सिर्फ बोल दें कि बड़ा संख्या बनाइए और छोटा संख्या बनाइए तो ये दोनों में दोनों क्या है, बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है, सही है। लेकिन अगर बोल दें थ्री डिजिट में बनाइए यानी तीन अंक में बनाइए तो ये गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, तो थ्री डिजिट में सही क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए सबसे छोटा लिया जाता है, तो जीरो को छोड़ देंगे, उससे बाद देखेंगे तो उसके बाद दो है, तब जीरो उसके बाद थ्री, इससे छोटा नंबर नहीं हो सकता है। लेकिन अब ये कितने नंबर में हो गया, थ्री डिजिट में हो गया, समझ में आया बच्चों। इसलिए आज के बाद से अगर कोई भी डिजिट्स का बनाना हो, डिजिट तभी माना जाता है जब जीरो राइट साइड में हो, लेफ्ट साइड में हो तो जीरो को डिजिट में नहीं लिया जाएगा। तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर और ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर बिना डिजिट्स का। अगर थ्री डिजिट में पूछ लिया तो ग्रेटेस्ट नंबर ये हो जाएगा और स्मॉलेस्ट नंबर आपका ये होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किसका स्मॉल कितने, वन डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, टू डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, ये चीज। तो सबसे पहले वन डिजिट में मैं देखता हूँ, वन डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर, देखो वन डिजिट में स्मॉलेस्ट, वन डिजिट यहाँ से यहाँ तक है, जीरो से लेकर नाइन तक, लेकिन अभी मैंने बताया था कि जीरो को डिजिट में नहीं लिया जाता, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा वन डिजिट का, वन। अब ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा वन डिजिट का, वन डिजिट में सबसे बड़ा क्या है, नाइन, ठीक है क्लियर। अब टू डिजिट में,
टू डिजिट में स्मॉलेस्ट क्या होगा, तो टू डिजिट में स्मॉलेस्ट देखो टू डिजिट में, तो यहाँ से टू डिजिट स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक 99 तक, क्लियर। तो टू डिजिट में स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, 1 0, ये देखो ये दो डिजिट माना जाएगा, अगर यही जीरो इधर होता ऐसे होता तो ये 1 डिजिट माना जाता, क्लियर। तो टू डिजिट का स्मॉलेस्ट 10, तो टू डिजिट का ग्रेटेस्ट क्या है, सबसे बड़ा नंबर दो अंक में 99, ठीक है। फिर अब 3 डिजिट में आ जाओ, थ्री डिजिट में क्या है सबसे छोटा 100, 3 अंक में है, 1 2 3 अंक में, फिर सबसे बड़ा क्या है 9 9 9, ये है आपका स्मॉलेस्ट नंबर 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, और ये है ग्रेटेस्ट नंबर 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का। अब स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट और भी नंबर का लिखना हो तो लिखने का तरीका, जैसे मैं बोल दूं 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 1 लिख देंगे और इसके बाद जितना उससे एक कम 0 बैठा देंगे, 6 यानी 5 0, 1 लिख देंगे उसके बाद 5 0, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट बन गए। अगर ग्रेटेस्ट लिखा हो तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, 6 9 लिख देंगे, 6 times 3 3 6 यानी 6 times 9 लिख दें, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। वही अगर 7 डिजिट का पूछ दें स्मॉलेस्ट, 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट, तो कुछ नहीं करेंगे, 1 और इससे एक कम यानी 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 हो गया, क्लियर। और 7 डिजिट का अगर ग्रेटेस्ट नंबर पूछ दे तो 7 बार 9, 1 2 3 4 5 6 7 3 5 6 7, ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर हम लोग लिख सकते हैं। 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट लिखना हो कैसे लिखें, तो 1 लिख देंगे उसके बाद उससे एक कम यानी 6 0 बैठा देंगे, और ग्रेटेस्ट लिखना हो तो टोटल का टोटल 9, 7 बार है तो 7 बार 9 लिख देंगे। इस तरह से आज का जो कंसेप्चुअल चैप्टर था, चैप्टर 1 क्लास 6 का आर एस अग्रवाल का, वो आपका कंप्लीट हुआ। इसी के आधार पे क्वेश्चन सॉल्यूशन होंगे, तो आपसे आज ही आपको मैं कुछ चैप्टर 1 ही का क्वेश्चन सॉल्व करके बतलाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछो आप लोग सॉल्व करोगे। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर, यानी नंबर नेम लिखना है। पहला क्या है, 9000 तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड तक बोला है, कैसे करेंगे, थाउजेंड तक बोला तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड पॉइंट देंगे। अब कितना थाउजेंड बोला तो 9000, इसमें क्या बैठा है 9, उसको क्या बोला है 18, वंस 18 कैसे लिखते हैं 18 ऐसे लिखते हैं, तो वंस टेंस, तो टेंस में 1, वंस में 8, उसके बाद जो बचा हो उस पे जीरो लगा देंगे, क्लियर, ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद है आपका 3 लाख,